प्लस वन क्लास बेटे आज हम 3D एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन कर रहे हैं. इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉज एक्स इज इक्वल टू -12/13 वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई. देखो बेटे यहाँ पर तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी. अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ साइन एक्स की वैल्यू, हमारे पास सोल्यूशन जो है साइन एक्स की वैल्यू दी है 3/5 एंड कॉज वाई की वैल्यू दी है -12/13. देखिए मैं इसके लिए भी इसको बता रही हूँ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इस तरह से लाई करेगा. यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और यहाँ पे ओ पॉइंट. इसी तरह से वाई एक्सिस का उसने बोला, वो भी जो है हमारे पास एक्स एंड वाई जो दोनों है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं बना रही हूँ ओ, ये पॉइंट एक्स एक्सिस बन, आपके पास वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एंड दैट इज वाई डैश. अब देखिए साइन एक्स आपके पास दिया है 3/5. साइन थीटा क्या होता भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस ये परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, पी 3 है तो परपेंडिकुलर इस तरह से बनेगा. हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 5 और हमें ये बेस निकालना है. यहाँ पे नाम दे दो चाहे ए बी, यहाँ पे नाम देते हैं सी डी, उसको ओ डैश नाम दे देते हैं. अब इसी तरह से हमारे पास कॉज वाई वो कितना है -12/13, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब बेस जो है वो 12 होगा जब -12 होगा और हाइपोटेन्यूज 13. देखिए बेस कितना है इसका 12 और सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे भी बेटे यहाँ देखो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बेस कितना है इधर, ये नेगेटिव है मीन्स -12 मीन्स ये हमारे पास कितना है -12 और हाइपोटेन्यूज वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ये 13 हो गया. अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, यहाँ भी हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे. इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, ए ओ बी. अब देखिए फॉर्मूला जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कितना है ए ओ ए, उसका जो ए ओ का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर कितना है ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है बी ओ, बी ओ का स्क्वायर. अब देखिए बेटा ए ओ, ए ओ हमारे पास कितना है 5, ये बना 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज 3 तो ये 3 का स्क्वायर प्लस बी ओ, ये तो हमें निकालना फाइंड आउट करना बी ओ स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बी ओ स्क्वायर तो बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा इधर 9 इधर आके माइनस होगा, 25 माइनस 9 मीन 16 तो बी ओ इज इक्वल टू 4. ये आपके पास प्लस माइनस में आएगा, दो वैल्यूज आएंगे ना स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस. अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो किधर, इधर को क्या है नेगेटिव है एक्स वाला, तो ये क्या आएगी देयरफॉर बी ओ किस तरह से आएगा -4, ये वैल्यू जो है आपके पास आई -4. अब यहां से आप साइन एक्स है तो कॉज एक्स की वैल्यू निकालोगे, कॉज एक्स किसके इक्वल होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ पे -4 और हाइपोटेन्यूज कितना है देखो यहाँ पे 5 तो -4/5 इसकी वैल्यू है. इसी तरह से हम इधर निकाल लेंगे यहाँ पे कॉज इन ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी बन रही है सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी. इसमें सेम फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है सी ओ डैश इसका स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी, सी डी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है डी ओ डैश, डी ओ डैश का स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे करो सी ओ डैश मीन कितना बना 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी, ये तो हमें निकालना है सी डी का स्क्वायर प्लस डी ओ डैश मीन्स कितना -12 का स्क्वायर, ये बना 13 का स्क्वायर कितना है 169 इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया कितना है 144. तो ये हमारे पास यहाँ से सी डी स्क्वायर बनेगा 144 इधर आके माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बना 25, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो सी डी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस, जब स्क्वायर इसका करो कितना आएगा रूट, स्क्वायर रूट करोगे कितना आएगा 5. अब सी डी देखो ये कहाँ ऊपर को पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो फिर इसकी वैल्यू कौन सी लेंगे सिर्फ 5, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 5. अब हमें ये कॉस की वैल्यू है तो हमें किसकी निकालनी है साइन वाई की, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 तो ये हमारे पास आया 5/13. ये हमने वैल्यूज निकाल के रख ली, हमारे पास साइन एक्स था तो हमने कॉस एक्स निकाल लिया और कॉस वाई है तो हमने साइन वाई निकाल के रख लिया. अब बेटे हमें निकालना है फाइंड आउट जो करना है वो है साइन एक्स प्लस वाई, तो हम साइन एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करेंगे. साइन एक्स प्लस वाई मीन्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा. साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी.
अब देखिए वैल्यूज जो जो हमने निकालनी है वो पुट कर दो, साइन एक्स हमारे पास कितना है 3/5 और कॉस वाई हमने निकाल वो भी गिवन था हमें, वो है -12/13, बीच में प्लस है, अब कॉस एक्स कितना है -4/5 इंटू साइन वाई कितना है 5/13, ये बना -36/65। इसी तरह से प्लस माइनस -20/65। अब आप इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ रहा है 65, यह है -36 -20 मीन्स ये हमारे पास बना -56/65, दैट इज द आंसर।